सो हेलो गाइस, आई एम मनीष प्रधान, ऑल्सो नोन एज मैनी। तो यार आज का वीडियो में हम लोग एन्चेंटेड के बारे में कुछ करने वाले हैं। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि यार हम लोग डायमंड का हम लोग पिकैक्स, शॉवेल, एक्स, स्वॉर्ड सब बनाएंगे, ठीक। एंड देन गाइस उसमें बहुत सारे एन्चेंटेड बुक्स डालेंगे, ओके। आई मीन जितना भी पॉसिबल वे हो सकता है ना, जितना भी पॉसिबल वे में हम लोग एन्चेंटेड डाल सकते हैं डालेंगे, जितना भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो गाइस चलो हम लोग कुछ कुछ करने वाले हैं। तो गाइस ये हमारा शुगर केन फार्म है, चलो ये सब तो बाद में होते रहेगा। सो गाइस ये रहा हमारा बहुत सारा एन्चेंटेड बुक खजाना, आई मीन ये बहुत सारा है। तो गाइस कुछ दिन पहले हम जब माइन कर रहे थे तो हमको बहुत सारे यहाँ डायमंड, आई मीन बहुत सारे नहीं, 15 डायमंड, बट फिर भी यार 15 डायमंड बहुत होता है, क्योंकि एक एक डायमंड मिलना भी इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो मेरे पास 15 डायमंड है, तो हम सोचे कि हम डायमंड से क्यों ना हम स्वर्ड हुआ, पिकैक्स हुआ, एक्स हुआ, शवल हुआ, सब बना लेते, ठीक। और उसको फिर हम एन्चेंटेड बुक से एन्चेंट कर देते, ठीक है। बस उसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंटली हमको क्या चाहिए, एक्सपी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास अभी 22 एक्सपी है, हमको और चाहिए होगा डेफिनेटली, तो उसके लिए वरी नो वरीज, बिकॉज सामने आप देख रहे हो कैक्टस एक्सपी फॉर्म है मेरे पास, तो चलो मैनेज है। तो गाइस पहले आप दिखा देते हैं मेरे पास कौन कौन सा एन्चेंटेड बुक है। तो गाइस सबसे पहले देखो यार, इन्फिनिटी का मेरे पास पूरा भरा हुआ, ठीक है। एंड देन मेरे पास मेल्टिंग है, देन सिल्टच है मेरे पास, देन गाइस अनब्रेकिंग 3 है, आई मीन मैक्स लेवल। उसके बाद गाइस फॉर्च्यून मैक्स लेवल है 3, एंड देन लूटिंग मैक्स लेवल 3 है, ठीक है। ये हो गया, फिर सेकंड में आई तो मेरे पास सेकंड पे है पियर्सिंग का मैक्स लेवल 4th होता है। स्टार्टिंग में तो मेरे पास 2-3 लेवल है, बट फिर बाद में देखो मेरे पास लेवल 4 का पियर्सिंग है। देन प्रोटेक्शन आई डोंट हैव, तो ये ऐसे ही मिला था। फिर पावर मैक्स लेवल है 5-5। फिर एक्वा इन्फिनिटी, ये सब अभी मेरे पास काम नहीं एक्चुअली। फिर ब्लास्ट प्रोटेक्शन 2 और ये दिस दैट है, ये फालतू है। फिर देन मेरे पास आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास है एफिशिएंसी का मैक्स लेवल, ठीक है। तो ये देन मेरे पास है फेदर फॉलिंग का मैक्स लेवल, ठीक है। देन डेप्थ स्ट्राइडर मैक्स लेवल, एंड देन स्मिट मैक्स लेवल, एंड देन स्वीपिंग एज मैक्स लेवल, ठीक है। एंड फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरे पास है ल्यू का मैक्स लेवल, देन लक ऑफ द सी मैक्स लेवल, ये दो फिशिंग रॉड की, ठीक है। ये दोनों ऑनेस्टली यार, ये दोनों अगर आप लगा दो ना तो भाई एक से एक चीज़ मिलेगा। एंड इवन फिशिंग में आपको एन्चेंटेड बुक भी बहुत सारा मिलता है, ठीक है। तो वो सब तो खैर। देन फिर फायर एक्सपेक्ट का मेरे पास 1 और 2 लेवल का, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए। एंड देन मल्टी शॉट्स है 4 क्रॉस बो, आई मीन आप एक बार शॉट्स करोगे तो उसमें 3 शॉट्स निकलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरे पास शार्पनेस का 1, 2, then 5, दैट मीन्स मेरे पास शार्पनेस का 5 लेवल, ओके, यानी कि मैक्स लेवल है मेरे पास शार्पनेस का। और शार्पनेस बहुत ही जरूरी है अपने स्वॉर्ड में लगाने के लिए। एंड देन मेरे पास नेम टैग है, ठीक है, और कुछ क्या 3 एमराल्ड्स है एक्चुअली मेरे पास, और एमराल्ड्स है वो मेरा वो फार्म में, ठीक है। तो रात हो गया, पहले सो लेते हैं। सो गाइस मॉर्निंग हो गया, ठीक है। तो अभी हमको पैन करना है क्या, ठीक है, सबसे पहले हम डायमंड ले लेते हैं। तो गाइस बहुत एक्साइटेड है, डायमंड हम ले लिए। एंड देन ऑब्वियसली हमको स्टिक्स लेना है, तो ये सब करना क्या, ठीक है, हम क्या करेंगे एक्चुअली। देखो मेरे पास यहाँ अच्छा पिकैक्स है मेरे पास, मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग 1 लगाया है, ठीक है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, फिर से बनाते हैं। तो सबसे पहले एक डायमंड हो जाए, तो गाइस यार एक्स में 3 डायमंड लगता है, इससे अच्छा मेरे पास शॉवल है, सिर्फ एक डायमंड हो जाता है शॉवल। एंड देन 3 में पिकैक्स होता है, होए कोई ज़रूरी नहीं है। एंड देन स्वॉर्ड में 2, यानी कि सबसे ज़्यादा हमको एक्स में लगता है। तो चलो यार एक एक्स बना लेते हैं। तो यार बहुत बनाने तो मन कराने, लेकिन चलो ठीक है। सो ओ भाई, तो एक हमारा डायमंड एक्स, गाइस डायमंड एक्स एक मेरे पास, ठीक है। देन एक स्वॉर्ड बनाते हैं, ओ भाई एक स्वॉर्ड, डायमंड स्वॉर्ड। एंड देन एक शॉवल, चलो यार शॉवल तो ठीक है, क्योंकि एक डायमंड लगता है इसमें, ठीक है। एंड देन क्या, ओके, देन एक और पिकैक्स बनाना होगा, तो एक डायमंड पिकैक्स, ओके। तो ये 4 मेरे पास हो गया, होए आई डोंट थिंक सो, हमको वेस्ट करना है होए में, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअली हो गया, और ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो गाइस और मेरे पास 6 डायमंड बच भी गए, ऐसा करते हैं ना विदाउट वेस्टिंग, ओके 6 क्या, और एक या 7, मेरे पास 7 डायमंड है, तो डायमंड में यहाँ रखते हैं। एंड ये सब में तो आयरन है, तो गाइस मेरे पास 4 डायमंड हो गया, ठीक है, डायमंड का वेपन्स एंड ऑल। ऐसा करते हैं, ये सबको पहले हटा लेते हैं, एंड ऐसा और ये सबको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है।
थिंग इज हम ये सब पूरे ही हटा देते हैं यार। सो गाइस मेरे पास 7 थिंग्स हो गए, इसको हमको एन्चेंट करना है, ठीक है? तो लेट्स गो। तो देखो यार, स्टार्टिंग में इन्फिनिटी, तो गाइस इन्फिनिटी सिर्फ और सिर्फ हमारा बो में होती है, तो इसके ऊपर रख लेते हैं, ठीक है? देन हमारा मेंडिंग, तो मेंडिंग सब में होती, तो ऐसे करते सब में मेंडिंग रख लेते हैं, ठीक है? ओके सॉरी, मेंडिंग पहले रख लेते, उसके बाद करेंगे, ठीक है? मेंडिंग इसमें भी लगता है। ओ सॉरी मेंडिंग, आई डोंट नो, अच्छा देख लेते हैं। एन एक क्रॉसबो, ठीक है? देन हमारा है सिल्टर, तो सिल्टर कोई नेसेसरी नहीं है। देन अनब्रेकिंग, ऑब्वियसली अनब्रेकिंग बहुत जरूरी है, तो अनब्रेकिंग रख लेते हैं फिर, ठीक है? अनब्रेकिंग क्या करता है आप लोगों को पता ही होगा, दैट ब्रेक करने से रोकता है, ठीक है? एक्चुअली एक डायमंड पिकेक्स शॉल में अगर आप एन्चेंट करोगे अनब्रेकिंग 3, तो ये 4 टाइम्स ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया अनब्रेकिंग। देन हमारा फॉर्च्यून, तो फॉर्च्यून हमारा होगा पिकेक्स में लगेगा, शॉवल में लगेगा एंड एक्स में लगेगा, वो सोर्ड में नहीं लगता फॉर्च्यून, ठीक है? एंड देन लूटिंग ओनली सोर्ड में लगेगा और किसी में नहीं लगता। तो गाइस ये तो हो गया हमारा, तो ऐसा करते चलो पहले इसको, ये सबको एन्चेंट कर लेते हैं। तो गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड, ओके एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम ऐसा करते अपने डायमंड पिकेक्स, या तो उसको मेंडिंग दे या पहले मेंडिंग कर देते, ओके? तो यार 2 एक्सपी मैनेज, ठीक है? ओके अच्छा, इस चीज़ को देखना, ये दिखता है, ओके। तो गाइस ये आप देख रहे हो पूरा चमक धमक वाला दिख रहा है, चलो सही है। देन हम पिकेक्स को ही अनब्रेकिंग 3 करते, ओके हम। सो गाइस आप देख सकते हो 5 एक्सपी लग रहा है उस पर, ठीक है? तो मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग 3, वेरी नाइस। और देन हम इसको इसमें फॉर्च्यून डालते, तो यार 9 एक्सपी, तो यार बहुत ही महंगा या होते जा रहा है। सो गाइस आप जैसे जैसे इसको एन्चेंट करते जाते हो उसका एक्सपी बढ़ते जाता है, ठीक है? तो मेरे पास 22 था, ओनली एंड ओनली 6 बच गया। तो गाइस मेरे पास डायमंड पिकेक्स आप देख सकते हो मेंडिंग, और सॉरी तो गाइस डायमंड पिकेक्स में मेंडिंग है, अनब्रेकिंग 3 है एक्चुअली मैक्स लेवल एंड फॉर्च्यून 3, ठीक है? अब ऐसा करते हैं हम पहले एक को कंप्लीट करते, ओके? देन हम पिकेक्स में और क्या डाल सकते हैं? लूटिंग एक्चुअली नहीं डाल, चलो एक लूटिंग ट्राई कर लेंगे। एफिशिएंसी डाल सकते हो ऑब्वियसली, फैदर फॉलिंग नहीं, स्वीपिंग नहीं। एंड देन व्हाट अबाउट पियर्सिंग? पियर्सिंग सिर्फ क्रॉसबो में लगता है, प्रोटेक्शन नहीं, पावर ओनली बो में। एक्वा एफिनिटी नहीं, ब्लास्ट प्रोटेक्शन नहीं, ल्यूर ये सब नहीं। शार्पनेस ट्राई करते लगता है कि नहीं पिकेक्स में, ओके? सो पिकेक्स ले लेते हैं एंड व्हाट अबाउट? सो गाइस पिकेक्स में हमारा एफिशिएंसी 5 लग रहा है, बट द थिंग इज कोस्ट 12 ले रहा हूं, ओके? ऐसा करते हैं हमें वो शार्पनेस, तो शार्पनेस नहीं लगता, ओके? पता था शार्पनेस नहीं लगेगा। तो गाइस हमको ऐसा करना है, थोड़ा सा एक्सपी लेके आना होगा, ठीक है? तो एक्सपी कहाँ से लेके आते, चलो थोड़ा सा बार्गेन कर लेते एक्सपी। तो गाइस अब हम लोग जाने वाले अपने एक्सपी कैक्टस फार्म में, ठीक है? आप सामने देख सकते हो। सो गाइस अगर आपको ये वाला फार्म बनाना है तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में या लास्ट में आप देख सकते हो, ये इसका लिंक सेंड कर देंगे, ओके? सो एक्चुअली ये ओके हुआ क्या? ओ भाई, तो गाइस ये पूरा भर चुका है, तो हमको सिर्फ यहाँ निकालना है, ठीक है? ओके तो गाइस आप देख सकते हो डायरेक्ट मेरा लेवल 33 हो गया, ठीक है? तो नॉट बैड, सो लेवल 33 हो गया, वेरी नाइस। अब पिकेक्स लेते हैं, ठीक है? और इसमें एफिशिएंसी 5 डाल देते हैं, ठीक है? तो ये भी डल गया। तो गाइस अब मेरे पास डायमंड पिकेक्स में है मेंडिंग, अनब्रेकिंग 3, फॉर्च्यून 3, एफिशिएंसी 5, तो मेरे पास 4 एन्चेंटेड है, ठीक है? अब हम ऐसा करते हैं पिकेक्स होकर अब शॉवल का काम करते हैं, ठीक है? तो शॉवल में पहले मेंडिंग डाल देते, ओके? तो मेंडिंग डल गया, वेरी नाइस। देन हमारा डलेगा अनब्रेकिंग 3 ऑब्वियसली, क्योंकि यार डायमंड अनब्रेकिंग 3 तो बनता है भाई, एंड फॉर्च्यून 3 ऑब्वियसली। और ये अब मेरे शॉवल में मेंडिंग, अनब्रेकिंग 3 और फॉर्च्यून, ठीक है? अब हमको एफिशिएंसी 5 डालना होगा। एफिशिएंसी कहाँ था यार? एफिशिएंसी यहाँ था, एफिशिएंसी, ओके। देन अगेन 12 एक्सपी, एंड आई डोंट हैव 12 एक्सपी, तो करेंगे क्या? इसको ऐसे रख देते हैं। ऐसा करते हैं हम डायमंड एक्स में पहले मेंडिंग डाल देते हैं, ठीक है? तो 2 ही लगा, आई न्यू दैट। और व्हाट अबाउट अनब्रेकिंग 3? तो 5 ले रहा है, तो 5 मेरे पास अभी है नहीं, तो हम थोड़ी देर में करेंगे इसको। एंड गाइस तब तक मैं ऐसा करते हैं अपने सोर्ड में मेंडिंग डाल दे, ठीक है? तो ये 2 एक्सपी मैनेज है, ओके? और मेरा
ओके, और मेरा ये भी टूट गया तो उसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए ऑब्वियसली हमको आयरन चाहिए, आयरन चाहिए, आयरन का 3 ब्लॉक्स चाहिए। देन इसको ऐसा लंबा सा पुट करेंगे, देन हमारा आयरन इंगट, एंड हियर वी गो एनविल। तो एनविल को हम प्लेस करेंगे, एंड गाइस वो जो साउंड टक से बहुत सही लगता है। तो गाइस मेरे पास फिर 31 XP आ चुका है, ठीक है। सो गाइस अब आपको करना है कि आपने शॉवल को एफिशिएंसी में डाल देना, ठीक है। तो ये 12 XP ले रहा हूँ भाई, चलो कोई नहीं, एंड हियर वी गो। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ऐसा करते हैं अपने डायमंड एक्स में डालते हैं, ठीक है। तो डायमंड एक्स में मेंडिंग पहले से डाल दिया, ठीक है। तो अब हमको डालना है अनब्रेकिंग 3, ओके 7 कोस्ट, चलो ठीक है। एंड देन अनब्रेकिंग का मैक्स हो गया, एंड देन हमको चाहिए फॉर्च्यून 3, ओ भाई। तो यहाँ 13 कोस्ट है, तो ऐसा करते तब तक के लिए हम एफिशिएंसी 5 यानी कि मैक्स लेवल डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें चाहिए 12 कोस्ट, तो एंड हियर वी गो। एक्स में भी 3 एनचैंटेड डल चुका है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं एक्स को यहाँ डाल देते हैं, ऐसा कर देते हैं। सो गाइस अब मेरे पिकैक्स में मैक्स हो चुका है, ठीक है, सब एनचैंटेड हो चुका है। देन हमारे शॉवल में भी हो चुका है, एंड देन हमारे जो एक्स में सिर्फ 3 एनचैंटेड किए हुए, ठीक है। उसको और एक लास्ट हमारा फॉर्च्यून 3 करना है। तो चलो हमको और एक्सपी लेके आना होता, मेरे पास 0 XP बच गया, ठीक है। देन हम अपना सॉर्ट करेंगे, देन फिर ऑब्वियसली बो हम मैंडिंग कर चुके हैं, तो उसमें और 2-3 चीज़ डालना है, जैसे पावर हो गया और दिस दैट जो भी। एंड देन हमारा फिशिंग रॉड बच गया, एंड देन क्रॉस बो। तो फटाक से हम एक्सपी लेके आते हैं। और एक्सपी गाइस हम कैसे लाते हैं, एक तो आप देखे होंगे ये अपना कैक्टस एक्सपी फार्म है, और सेकंड हमारा है वहाँ पे विलेज लोग से ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग इन द सेंस हम पेपर बेच के उसे एमरल्ड्स लेते हैं, एंड देन उससे फिर हमको एक्सपी बहुत सारा मिलता है। तो चलो फटाक से हम एक्सपी ले लेते हैं। वैसे हमारा 11 XP में होगा क्या, देखते हैं। ये तो 30, ओके ओ भाई ये 21 XP चाहिए अब इसके लिए। अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया। तब तक स्वॉर्ड देख लेते हैं, तब तक ऐसा करते हैं स्वॉर्ड में हम अनब्रेकिंग 3 डाल देते हैं, वेरी नाइस 5 XP है। और देखते हैं लूटिंग का 7 मिलेगा। तो ऐसा करते हैं अनब्रेकिंग 3 डाल देते हैं अपने स्वॉर्ड पर, डायमंड स्वॉर्ड आ रहे हैं। तो हमको मेरा बच गया 6 XP, ठीक है, 30 XP मोर, तो नॉट अ बिग डील। सो ऐसा करते हैं फटाक से हम जाकर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है, और XP लेके आके ये सब का एन्चेंट कर देते हैं। चलो सो लेट्स गो। सो गाइस अब क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं अपने स्वॉर्ड को एन्चेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं शार्पनेस 5 यानी कि मैक्स लेवल भी डाल देते हैं, ओके, एंड देखते होता है कि नहीं है। सो शार्पनेस लेगा 8, तो हियर वी गो। सो गाइस मेरे पास स्वॉर्ड में मेंडिंग, अनब्रेकिंग 3 और शार्पनेस मैक्स लेवल यानी कि 5 है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं लूटिंग, ओके। तो गाइस लूटिंग के लिए 13 फिर चाहिए, तो जो प्रोसेस अभी की वैसे फटाक से जाके हम और विलेजेस लोग। सो गाइस मेरे पास फिर से 19 XP आ चुका, तो ऐसा करते हैं स्वॉर्ड को कर ही देते हैं, ठीक है। तो स्वॉर्ड को मेरा मैक्स लेवल हो जाएगा, तो गाइस स्वॉर्ड में लूटिंग 3 यानी कि लूटिंग का मैक्स लेवल डाल रहे हैं, तो उसमें 13 XP चाहिए, तो हमारा स्वॉर्ड भी ऑलमोस्ट मैक्स हो गया। आई मीन इसमें बहुत सारा एन्चेंटेड लगता है, बट स्पेशली जो मेन होता है ना वो यही मेंडिंग है, अनब्रेकिंग, शार्पनेस और लूटिंग। तो इसमें 4 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 4 हो गया। अब हमको एक्स का काम करना है, एक्स में लास्ट डालना फॉर्च्यून 3, बट उसके लिए 21 XP चाहिए, तो वो तो अभी खैर थोड़ी देर बाद कर ही लेंगे। सो गाइस पहले थोड़ा एक्सपी ले लेते फिर करेंगे थोड़ा अपना एन्चेंटेड। सो गाइस अब ऐसा करते हैं हम लोग डायमंड पिकैक्स को हम लोग करते हैं एन्चेंट विद फॉर्च्यून 3 यानी कि मैक्स लेवल। तो मेरे पास ऑलरेडी 21 XP आ चुका है, तो पहले तो हम अपने डायमंड एक्स को एन्चेंट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्च्यून 3 से। तो गाइस मेरे पास फिर मेंडिंग एंड ब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी फॉर्च्यून 3 हो जाएगा। और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आई मीन 21 XP, तो चलो 3, 2, 1 गो। सो गाइस चलो जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 4 को हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो तो एन्चेंट हो गया।
तो कैसे आप देख सकते हो, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार एंचेंटेड हो चुका है। अब हम लोगों को करना क्या है? सो गाइस, अब हम लोग मेंडिंग करने वाले क्रॉसबो को, ठीक है। तो देखो, ऑलरेडी हम अनब्रेकिंग 3 का एंचेंट कर चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ, गलती से हो गया था, चलो इट्स ओके। बट क्योंकि ये चारों तो कंप्लीट है, अब हम क्रॉसबो करते हैं, ठीक है। तो मल्टी शॉट्स नहीं करते, ऐसा करते पियर्सिंग कर देते, ठीक है। तो हियर वी गो। तो गाइस, अब मेरे पास क्रॉसबो में अनब्रेकिंग 3 तो यार ये टूटने से रहा, और पियर्सिंग 4 यानी कि मैक्स लेवल। तो पियर्सिंग क्या होता है ना, बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे वो अगर आप कोई भी एनिमी को मारोगे तो वो तो मरेगा, साथ में उसके जो पीछे है वो भी मरेगा। तो ये पियर्सिंग है। अब हमको क्रॉसबो करना मल्टी शॉट्स एंड मेंडिंग। तो क्या, चलो फटाक से ऐसा करते हैं, हम अपना सेकंड सोर्स ऑफ एक्सपी लेने चलते हैं, एंड दैट इज कैक्टस। गाइस, फिंगर क्रॉस, कितना एक्सपी मिलता है। तो गाइस 19 एक्सपी मिल चुका है। तो 19 यार, और इसलिए इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हमको लगा था 5 या 6 आएगा। तो गाइस 19 एक्सपी को ऑलरेडी मिल चुका है, तो नाइस। सो गाइस, हमको 19 एक्सपी मिल चुका है, ठीक है। और क्रॉसबो मेरा अनब्रेकिंग 3 और पियर्सिंग 4 यानी कि दोनों मैक्स लेवल है। अब क्या करते हैं, हम इसमें डालते हैं मल्टी शॉट्स। ओके, अरे यार, तो मल्टी शॉट्स, ओ भाई। तो गाइज, द थिंग इज, अगर आप पियर्सिंग डालोगे तो मल्टी शॉट्स नहीं डलेगा। चलो क्या कर सकते, कोई नहीं, हम इसमें मेंडिंग डलेगा। हाँ, मेंडिंग, ओ भाई, तो मेंडिंग का 17, तो मेंडिंग को भी पेंडिंग में डालते हैं, ठीक है। तो मेंडिंग वैसे काम भी नहीं, क्योंकि अनब्रेकिंग 3 जब है ही तो फिर मेंडिंग का क्या काम है। तो मेरे पास 19 एक्सपी बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम फिशिंग रॉड और क्रॉसबो कर देते हैं, ठीक है। गाइस, द थिंग इज, लेकिन मेरा फिशिंग रॉड हम ऑलरेडी मैक्स में एंचेंट कर चुके, आप देखे होंगे। तो क्योंकि इसको हम पहले एंचेंट कर दिए थे लक ऑफ द सी मैक्स यानी कि 3 से, देन ल्यूर 3 यानी कि मैक्स, और मेंडिंग से। तो ये परफेक्ट है, इसका आप देख सकते हो। अभी हम इससे पहले अगर पूरा का पूरा फिशिंग किया, बट फिर भी इसका एक से एक थोड़ा सा लाइफ भी घटा नहीं। तो चलो ठीक है, मेंडिंग तो ऑलरेडी हो गया मेरा फिशिंग रॉड का। एंड गाइस, हमारे पास बो है, तो बो भी मेरा 3 टाइप का। तो एक है देखो यार, मेंडिंग और पावर 5 है, ठीक है। तो ये पावर 5 6, सो पावर 5 मैक्स लेवल है। एंड देन मेरे पास है इन्फिनिटी 3। गाइस बेसिकली इसमें जो पावर है, जिसको पावर 5 करना है, नहीं पावर मैक्स करना है। और गाइस, ये पावर बहुत ही इफेक्टिव होता है। गाइस पावर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर गाइस आपका पावर 1 का बोल, ठीक है, तो आप इसे बहुत लेट में भरेगा, 4 या 5 शॉट में मे बी मॉब्स। और अब अगर आपके पास लेवल 3 का, जैसे मेरे पास लेवल 3 का है, तो इससे 2 बार में मॉब मरता है, ठीक है। बट मेरे पास अगर 5 लेवल का पावर रहेगा तो उससे 1 बार में मर जाएगा। तो ऐसा करते इसको मेंडिंग कर लेते हैं। तो 13 एक्सपीरियंस पॉइंट लग रहा, तो इट्स ओके। तो चलो हियर वी गो। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास 2 बो है, एक है मेंडिंग और पावर 5 में लगा हुआ है, और एक में लगा है इन्फिनिटी और पावर 5। तो इन्फिनिटी का काम यही है ना, कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक एरो लेना है, ठीक है। सिर्फ एक एरो लिए, और जैसे मेरा ये वाला
इन्फिनिटी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी आप जितना भी एरो मार सकते हो, जितना भी, वो खत्म कभी नहीं होगा, इन्फिनिटी होगा। लेकिन थिंग इज गाइस, आपके पास एक एरो एकदम कंपलसरी होना है। और गैस क्या होता है ना, मेंडिंग के साथ इन्फिनिटी कोलैप्स नहीं करता, वो एक्चुअली इनकॉम्पेटेबल हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में से आप एक ही लगा सकते हो, तो ये भी प्रीटी मच नाइस है। देन गाइस मेरे पास क्रॉसबो आ जाओ, ठीक है। तो क्रॉसबो आप देख सकते हो, अनब्रेकिंग और पियर्सिंग लगा हुआ ऑलरेडी, और मेरे पास एक और है। और गाइस यहाँ मेरे पास मल्टी शॉट्स भी है, ठीक है। तो मल्टी शॉट्स का आपको यूज दिखा देना क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी शॉट, या एक एरो शूट होता है, बट काम करता थ्री एरो। और ऐसा नहीं कि वो एक ही एरो डैमेज हो, वो तीनों का तीनों एरो में डैमेज। तो गाइस फटाक से हम अपने आर्मर को भी एन्चेंट करते हो। तो ये एक ये हो गया, ये हो गया, एंड सॉरी इसको मिल्टर डाल दिए, और ये हो गया। इसको फिर पहन लेते तो एक्चुअली होगा क्या ना, थोड़ा डैशिंग लगने वाला है। सो गाइस आई एम फुली एन्चेंटेड, ठीक है। तो आई मीन हम सारे तरफ से एन्चेंट है गाइस, कोई पंगा नहीं लेगा आपसे, ठीक है। तो गाइस ये सच्ची बोलो तो ये बहुत ही इजी है बनाना। और गाइस ऐसा करते हैं तो ये वीडियो यही खत्म करते, बहुत लंबा भी हो जा रहा है। तो गाइस देखना अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। माइनक्राफ्ट बनाते रहना, और तब तक के लिए बाय रहेगा।